हेलो एवरीवन। तो हम लोग चेन रूल पढ़ रहे थे और चेन रूल में ये हमारा पांचवा वीडियो है। एक पहला वीडियो जो था उसमें चेन रूल क्या है उस पर चर्चा किए थे और बाकी का तीन वीडियो क्वेश्चंस पर था। सफिशियंटली हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस बनाए भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम इस वीडियो को फंक्शन स्पेसिफिक रख रहे हैं। चेन रूल में हम लोग एक खास तरह के फंक्शन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कशन पे हम लोग लाएंगे। आज के वीडियो में खास एक और बात है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट भी देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा आदर्श अकेडमी का, जिसमें कि आप अपना डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं और पॉसिबल हुआ तो सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। दो बात दोहरा दें, आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी मिलेगा आज जो पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन बनाना है। डाउट होने पर जो फ़ोन नंबर आपको दिया जाए उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आदर्श अकेडमी के नाम से उसको सेव कर लीजिए, उसमें आपको अपना डाउट भेजना है। अगर पॉसिबल हो पाया, समय मिल पाया तो उसका डाउट आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा सॉल्व करके, नहीं तो अगले वीडियो में, अगर समय से पहले आता है तो अगले वीडियो में, रिकॉर्ड करने से पहले पहुंचता है तो हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखला देंगे। कुछ सवाल है मेरे पास, स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। पहला सवाल है वाई इज इक्वल टू लॉग साइन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, हो सकता है कि ये सेक्शन आपको बड़ा आसान लगे क्योंकि जैसा जैसा सवाल हम लोग करके आए हैं उससे उसके कंपैरिजन में इजी क्वेश्चन ही मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसलिए थोड़ा तेज करेंगे, आप देखते चलिए, बने रहिए। आप यहाँ पर ऑर्डर पहचानेंगे तो लॉग के भीतर आपको साइन मिल जाएगा, साइन के अंदर आपको रूट मिल जाएगा, रूट के अंदर वन प्लस किसी का स्क्वायर और वो जो किसी है वो है एक्स, वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो रहा है। हमारा आखिरी इंसान है एक्स, इसके पहले का फंक्शन है पॉलिनोमियल, इसके पहले का फंक्शन है रूट, इसको पकड़े हुए है साइन, इसको पकड़े हुए है लॉग। इसी ऑर्डर में अगर आप सर्जरी किए, खोले हैं इसको, तो इसी ऑर्डर में आप इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। बस ये याद रखेंगे कि हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थोड़ा तेज कर रहे हैं भाई। यहाँ डिफरेंशिएशन पहले लॉग का, लॉग के लिए वेरिएबल है साइन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए साइन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। फिर साइन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, साइन के लिए वेरिएबल था रूट तो रूट के रिस्पेक्ट में कर दिए। फिर रूट का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ और वन प्लस एक्स स्क्वायर के लिए जो वेरिएबल है वो है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। चेन रूल में अगर आप पहला चार वीडियोस बहुत ध्यान से देखे हैं, 10-12 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब आइए लॉग का डिफरेंशिएशन। लॉग जिसको पकड़ता है उसको नीचे भेज देता है, वन के नीचे, तो वन के नीचे आ गया साइन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। अब आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टू से टू को काटेंगे, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, यह आ गया कॉट रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर ये एक्स और ये मिलकर एक्स बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पहले सवाल का जवाब। पहला सवाल बड़ा इजी था, ये आ गया। हम लोग आज के वीडियो में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पर काम ज्यादा करेंगे, वही दोनों फंक्शन ज्यादा इन्वॉल्व होगा। ये पहला सवाल है, हमको नहीं लगता कि इसको हमको समझाने का जरूरत है दोबारा, थोड़ा चीज हम आप पर छोड़ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप दिए गए असाइनमेंट को बना पाएं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। अब ये हर वीडियो के साथ होगा। असाइनमेंट में जो डाउट हो देन एंड देयर आप हमको व्हाट्सएप करिए, लेकिन तुरंत मत करना, पहले ट्राई करो, कम से कम उस पर एक डेढ़ घंटा दो, जो नहीं बनता है उसके बाद उस पर हमको नहीं बनने पर तुम लोग व्हाट्सएप करना, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तुरंत ट्राई करो, अगर हमको भेज दोगे नहीं बन रहा तो सीख नहीं पाओगे। चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बड़ा सरल। y इज इक्वल टू e का पावर 2x गुना साइन 3x, e का पावर 2x इंटू साइन 3x। यहां पर आप पाएंगे कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, पहला तो है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। मल्टीप्लीकेशन है तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है कि किसी एक फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करें तो दूसरे वाले को छोड़ेंगे। तो जब हम लोग e का पावर 2x को डिफरेंशिएट करें या फिर e का पावर 2x को छोड़ें तो डिफरेंशिएशन साइन 3x का करना पड़ेगा। e का पावर 2x को छोड़ें तो दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले फंक्शन के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन के लिए वेरिएबल 3x, तो डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में और 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस इस बार एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल के लिए वेरिएबल 2x, तो 2x के रिस्पेक्ट में 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और खड़ा खड़ा साइन 3x देख रहा था। e का पावर 2x e का पावर 2x ही है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, और यहां से ये तीन फांग के बाहर आ जाएगा। तो जो तीन बाहर आया उसको यहां लिख दिए, क्या बच गया यहां पर x, तो dx by dx 1 हो जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं, प्लस e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x, ये 2x से 2 फांग के बाहर आएगा, उसको हम आगे लिख दिए, dx by dx 1 हो जाएगा, और sin 3x तो खड़ा होकर देख रहा था। अगर आप चाहें तो e का पावर 2x कॉमन ले सकते हैं, अगर हम ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3 cos 3x plus 2 sin 3x, दिस विल बी आर आंसर। आज आप ये फील कर रहे होंगे कि थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाए हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है, जो कि थोड़ा लाजमी है। एकदम धीरे भी करने से आप कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हैं और ऐसे टॉपिक पे स्पीड बढ़ाए हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। आज मेरा टारगेट है कि कम से कम 4 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, 4-4 क्वेश्चन में ही हम लोग अटक जाते हैं। इसको भी हम दोबारा नहीं समझा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तीसरा सवाल, y इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, देखिए कहानी बड़ा सरल है। log का जो वेरिएबल है ये वाला पार्ट, उसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ log cosec x माइनस cot x। आप समझदार हैं, log के लिए जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा cosec x माइनस cot x के रिस्पेक्ट में, और cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि cosec के लिए भी वेरिएबल x है। अरे
कि क्या हो गया। डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफी, तार पैर से फंस गया था, कैमरा थोड़ा सा चेंज हो गया था एंगल और आपको फूल पत्ती दिखने लगा होगा। खैर वापस से, पता नहीं कैमरा कब घुमा था। हम एक बार फिर से बता दें कि लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जब होगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि कोसेक के लिए वेरिएबल एक्स है और कॉट के लिए भी वेरिएबल एक्स है। लॉग का जब डिफरेंशिएशन होता है तो वन बाई समथिंग होता है, लॉग के पास जो भी रहता है वो वन के नीचे आ जाता है। लॉग के पास क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये वन बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में माइनस साइन है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर। तो इससे जो माइनस निकलेगा ना वो इस माइनस को प्लस कर देगा, यहां आ गया है प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों से कोसेक अगर बाहर निकाल ले भाई, इन दोनों से देखो कॉमन निकल रहा है कोसेक, कोसेक बाहर निकल गया, कोसेक स्क्वायर था तो एक कोसेक बचेगा और इसको हम लिख दिए आगे, पॉजिटिव है इसलिए आगे लिख दिए हैं। कोसेक इंटू कॉट से कोसेक निकला तो कॉट बच गया, लेकिन इनके आगे माइनस साइन था और इनके नीचे है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इनको अगर कैंसिल करें तो यू विल गेट कोसेक एक्स, ठीक है, ये आपको मिलेगा, कोसेक एक्स आपको मिलेगा। इसको हटा रहे हैं, पहला तीन सवाल थोड़ा स्पीड लेकर गए हम, आज फिर से लाइट कट गया। तो तीन सवाल हम लोग किए, तीन सवाल आसान था इसलिए थोड़ा तेज लेकर गए। चौथा वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा लेंदी है, वो भी आसान है लेंदी है थोड़ा सा। नहीं उतना भी लेंदी नहीं है जितना हम आपको बता रहे हैं। ये एक सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स ई का पावर रूट साइन एक्स। देखिए आपको लग रहा होगा कि पिछला जो चार वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस किए काफी बेहतर लेवल का था, उनके सामने ऐसा बहुत डाउन लेवल लग रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन अब मेरा ऐसा अरेंजमेंट है कि इसके बाद एक्सपोनेंशियल हम पढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बताते हैं, तो इसलिए ये सीरीज में आया, ठीक है। आपको ये आसान लग रहा होगा, इसके बाद हम लोग इन्वर्स का क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस और बहुत सारा चीज़ करेंगे, ठीक है। और जैसा हम आपको पहले भी बताएं कि अब हर वीडियो में आपको असाइनमेंट मिलेगा, लिंक्ड मिलेगा, आप वीडियो देखने के बाद तुरंत असाइनमेंट में जाइए, सवाल बनाइए और कोई परेशानी हो तो उस पर भिड़िए, लड़िए सवाल से, जब एकदम नहीं बने तो मेरे पास आइए, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पे आप पाएंगे कि दो फंक्शंस फिर से हम लोगों को दिखलाई पड़ रहे हैं, दो फंक्शंस फिर से दिखलाई पड़ रहे हैं और इन दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट, इन दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
आइए देखें कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है। आप तो इतना दिन में आपको आदत हो गया होगा प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। दो फंक्शंस अगर रहता है, किसी एक को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस पहले वाले को डिफरेंशिएट करके दूसरे वाले को छोड़ते हैं। अगर हम एक्स को छोड़ें, डिफरेंशिएट करें, अगर हम एक्स को छोड़ें तो मेरे रडार में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन ठहरिए, एक्सपोनेंशियल के लिए तो वेरिएबल है रूट, तो रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ। रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भैया एक्स के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस। इस बार e का पार रूट साइन एक्स को छोड़ दीजिए और एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। यही है प्रोडक्ट रूल। आइए, एक्स छूटा है, छूटा ही रहने दें। एक्सपोनेंशियल का कहानी ये है ना कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है। तो e का पार रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन e का पावर रूट साइन एक्स ही होगा। वहीं रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन एक्स होगा। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ e का पावर रूट साइन एक्स वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आप चाहें तो e का पावर रूट साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के पश्चात आपके पास ऊपर में x cos x, नीचे में 2 रूट साइन एक्स खड़े मिलेंगे, और पीछे प्लस 1। दिस इज आर आंसर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। साधारण सा सवाल चौथा सवाल था। पांचवा सवाल थोड़ा सा लंबा आपको लगेगा, इसको हटा रहे हैं, पांचवा सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पांचवा सवाल थोड़ा धीरे लेकर चलेंगे। वन प्लस ई का पावर एक्स बाई 1 माइनस ई का पावर एक्स, ठीक है, ये सवाल है। अच्छा, जो लोग यहां तक देख रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट करने नहीं कह सकते हैं, आप कमेंट करिएगा तो फंस जाइएगा। छोड़िए, कोई बात नहीं। मेरा ये बस ये मोटिव था, हम जानना चाह रहे थे कि जो पहला सवाल, पहला चार सवाल हम आज के वीडियो में बताएं, उसको हम थोड़ा तेज भी बताए हैं और रिपीट भी नहीं किए हैं, क्योंकि हमको लगा कि वो आसान है। तो हम बस जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपको परेशानी हुआ, ये ज़रूर किसी माध्यम से मेरे तक पहुँचा दीजिएगा। और बाकी जो हम इसको चौथी बार तीसरी बार बता रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट आपको मिलेगा, ज़रूर जाइए असाइनमेंट में, बनाइए। परेशानी होता है तो परेशान होइए, जब एकदम ही नहीं हो रहा हो तो मेरे पास डाउट भेजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो रूट के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। रूट के अंदर कौन है, 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई 1 माइनस ई का पावर एक्स, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि नियम यही कहता है सर, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करिए। अब बारी आई है 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई 1 माइनस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन की, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में होना है। देखिए, यहां तो रूट का डिफरेंशिएशन है, ये आप बड़े आसानी से कर सकेंगे। यहां पर क्या करना है, आप पाएंगे कि यहां पर मेन फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, और वो भी दो को फंक्शन है, वो भी डिवीजन में। तो जब डिवीजन का बात आता है तो हम लोग कोशेंट रूल लगाते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं। तो यहां पर भी हम लोग को कोशेंट रूल ही लगाना है। फर्स्ट वाले में तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा, रूट का डिफरेंशिएशन आपको आता है। सेकंड वाले में आपको कोशेंट रूल लगाना है, तो कोशेंट रूल लगाएंगे और देखो देखो क्या होता है। 1/2 रूट 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई 1 माइनस ई का पावर एक्स
यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएं। कोशेंट रूल कहता है कि नीचे वाले का करिए स्क्वायर, नीचे वाले का हमने कर दिया स्क्वायर, नीचे वाले का हमने कर दिया स्क्वायर, नीचे वाले को ले जाके छोड़ दीजिए, नीचे वाले को ले जाकर हमने छोड़ दिया, कर दीजिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, कर दिया हमने, बीच में माइनस लगाइए। इस बार ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर वाले को छोड़े, वन प्लस ई का पावर एक्स, ठीक है। देखिए होगा क्या, अच्छा अभी अगले स्टेप में समझाएंगे। वन बाई टू रूट ओवर वन प्लस ई का पावर एक्स बाई वन माइनस ई का पावर एक्स, ये वाला तो स्क्वायर है ही, वन माइनस ई का पावर एक्स का स्क्वायर, वन माइनस ई का पावर एक्स छूटेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, वन माइनस ई का पावर एक्स वैसे का वैसा ही है, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x ही होगा। e का पावर x यहां पर लिख दिए, माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, लेकिन आगे माइनस था तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, e का पावर x यहां पर बाहर है और वन प्लस e का पावर x वैसे का वैसा ही खड़ा होकर देख रहा है। देखिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ये जो रूट ओवर सिंगल रूट के अंदर वन प्लस ई का पावर एक्स बाई वन माइनस ई का पावर एक्स है ना, इन दोनों को अलग अलग रूट हम लोग बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, तो ये वन प्लस ई का पावर एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस ई का पावर एक्स बन सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर जा सकता है, नीचे वाला टर्म जो सबसे नीचे में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। और तो दिखेगा कैसे, सबसे नीचे कौन था, वन माइनस ई का पावर एक्स, तो ये अपना हिस्सा का रूट लेके ऊपर चला गया, नीचे वाला अपना हिस्सा का रूट लेके नीचे ही खड़ा है। ऊपर में क्या हो रहा है, ई का पावर एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ई का पावर एक्स इंटू वन ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ये ई का पावर अंदर गया एक्स, ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स का स्क्वायर। देखिए भाई साहब कुछ अगर कटता दिख रहा हो तो बोलिएगा, हाँ सर e का पावर x का स्क्वायर, e का पावर x का स्क्वायर कट गया, e का पावर x प्लस e का पावर x 2e का पावर x होगा, ये दोनों रूट में है ना, तो ऐसा करते हैं कि सिंगल रूट में ले लेते हैं, वन माइनस e का पावर x बाई वन प्लस e का पावर x, यहाँ पर 2e का पावर x बाई वन माइनस e का पावर x का स्क्वायर। आप चाहें तो इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। हम एक बार देख लें कि ये आपके विजिबल रीजन में है कि नहीं, हाँ है, इसके आगे ज़्यादा जगह नहीं बच रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, यही आपका आंसर माना जा सकता है, यहीं तक छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, हमको लगता है कि इतना करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आया होगा आज के असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप आज का असाइनमेंट अटेम्प्ट करिए और बेशक हमको बताइएगा कि आज का स्पीड आपको ज़्यादा लगा कम लगा, असाइनमेंट बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या चीज़ है। आज का कहानी यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।